हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो ये फोनिक कंपनी का XP3100 मॉडल का पावर एम्पलीफायर है। काफ़ी हेवी पावर है ये, काफ़ी अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है। तो इसके फर्स्ट चैनल में फॉल्ट आ गया था, इसका रिले भी ख़राब हो गया था। रिले ख़राब हो गया तो क्या हो रहा था दोस्तों, कि ये डायरेक्ट आउटपुट में वोल्टेज दे रहा था। तो मैंने जैसे ही स्पीकर लगाया था तो मेरे दो स्पीकर ख़राब हो गए थे, और इसके सारे जो ट्रांजिस्टर थे वो शॉर्ट हो गए थे। तो और ये रेजिस्टेंस, जो बेस पे रेजिस्टेंस रही थी वो भी ओपन हो गई थी। और देख सकते हो आप, ये 5 वाट वाली 0.22 ओम्स भी ओपन हो गई थी, और यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस जली हुई थी 47 ओम्स 1.5 के, और यहाँ पर FR603 ऐसा कुछ नाम का डायोड जला था, फास्ट रिकवरी डायोड। तो मैंने एक वीडियो तो काफ़ी दिनों के बाद बनाया है, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ मैं। तो मैंने बनाया इतने दिनों के बाद, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इसमें से जानकारी प्राप्त होंगी, अच्छी जानकारी प्राप्त होंगी। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको जानकारी लेना होगा तो देखो, या छोड़ दो यहीं पर ही वीडियो। और आपको कुछ सीखना है तो ऐसी वीडियो देखोगे तो आपको एक दिन आप भी मेरे तरह एम्पलीफायर रिपेयर कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, सबके पहले इसके टोटल ट्रांजिस्टर चेक किया, जो जो ट्रांजिस्टर ख़राब था मैंने निकाल लिया। इस साइड के 3 ट्रांजिस्टर थे मेरे पास अवेलेबल, यहाँ से 3 गए थे तो मैंने वो 3 डाल दिया, अवेलेबल थे तो। पर क्या हो रहा था दोस्तों, मेरे पास इधर के ट्रांजिस्टर अवेलेबल नहीं थे। तो और मुझे सुबह कस्टमर को ये सेट देना था, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ये 3 ट्रांजिस्टर अवेलेबल थे जो CDIL के है। मैं इसमें तोशीबा का ओरिजिनल स्ट्रिप वाला माल लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये बस चेक करने के लिए लगाया हूँ यहाँ पर। तो आप भी इस तरह, जैसा यहाँ से यहाँ ये पूरे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और इसके क्लच स्विच के काम के लिए इस ये मॉस्फेट लगी हुई है। यहाँ पर मॉस्फेट कितने लगे हैं आपको वो एक बार गिना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 मॉस्फेट इसका क्लास एच के लिए सप्लाई के लिए लगे हुए है। सप्लाई में 7 मॉस्फेट इस साइड लगे हैं और 7 मॉस्फेट उस साइड लगे हैं। तो ये काफ़ी हेवी क्लास एच का काम करता है, और इसके मॉस्फेट भी ख़राब नहीं होते जल्दी से, क्योंकि ये 7 मॉस्फेट पैरेलल में कनेक्ट है। तो काफ़ी हेवी एम्पियर बनता है इनका, ये ख़राब नहीं होते जल्दी से। तो यहाँ के ये ट्रांजिस्टर जो जो पूरे सारे टोटल ट्रांजिस्टर ख़राब थे, तो मैंने टोटल निकाल लिया यहाँ से, और मेरे पास 3 ट्रांजिस्टर थे तो मैंने 3 ट्रांजिस्टरों पे इसको चालू कर दिया। तो ये मशीन चालू हो गई, इसके वोल्टेज वगैरह बराबर मैंने चेक किया, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज आ रहा है इधर मॉस्फेट पे, और इस पर लो वोल्टेज आ रहा है, यानी प्रॉपर काम वर्किंग में है अभी। और इसके जो बेस पिन पर है, जहाँ 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है, वहाँ पर 0.5 वोल्ट आ रहा है, यानी 500 mV आ रहा है। तो ये भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। मैंने ऑडियो इनपुट भी दिया तो ऑडियो भी काम कर रहा है, मैं आपको एक बार चेक भी करा दूँगा, तो आप एक बार इसकी चेक कर लो। देखिए मैंने अभी सीरीज में चालू किया है इसे, तो प्रोटेक्शन से हट गई है मशीन। आपको मैं यहाँ से दिखाऊँगा इंडिकेटर, देख सकता है वो, देखिए वो पीले कलर का LED जल रहा है, और हमारा यूनिट भी आवाज़ कर रहा है, देख सकते हो। तो अगर आपके पास DIC से ट्रांजिस्टर नहीं हो, या आप नए काम करने वाले हो, तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि जैसा आप एक नए मैकेनिक हो, या नया काम घर में ही आप खुद कर रहे हो कुछ रिपेयरिंग की कोशिश, तो आप क्या करो, अगर आपके मशीन के ज़्यादा ट्रांजिस्टर उड़े हो, या पूरे पूरे ट्रांजिस्टर उड़े हो, तो क्या करो,
जैसे 15 ट्रांजिस्टर है तो उसमें से 5 या 4 ऐसे ट्रांजिस्टर पे आप अपनी मशीन चालू करके देख लो, पन आपको सीरीज में ही लगाना है और ज़्यादा आउटपुट नहीं लेना है उससे, सिर्फ आपको वोल्टेज नापना है और थोड़ा सा आउटपुट चेक कर लेना है। तो आपका इस तरह चेक हो जाएगी मशीन और आप पूरे एक लॉट के ट्रांजिस्टर लेके डाल सकते हो। तो क्या है, आपके पैसे ज़्यादा फंसेंगे भी नहीं उसमें, और अगर आपके हाथ से धोखे से अगर मशीन उड़ भी जाती है तो आपके 2-3 ही ट्रांजिस्टर उड़ेंगे, बाकी सेफ रहेंगे। तो इससे आपका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा और अच्छी तरह से अपनी मशीन रिपेयर हो जाएंगी। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना और बेल आइकन भी दबाना ताकि मैं ऐसी वीडियो डालूँ तो आपको सबके पहले दिखे। तो फिर देख आते हैं ऐसी वीडियो से, फिर मिलते हैं।